पटना में अपराधी को पकड़ने का वीडियो सामने आया है। पुलिस को देखते ही अपराधी गंगा नदी में कूद गए। पुलिस ने घेराबंदी कर पुलिस को अपराधी को कैसे पकड़ा, आप भी सुनिए। सर कुछ नहीं, अरे तुम आ जाओ इधर, मार देंगे गोली। ए सर इधर, इधर सर, इधर सर, कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ, ठीक है सर, सर सर कुछ नहीं, अरे तुम आ जाओ इधर, मार देंगे गोली। ए सर इधर, इधर सर, इधर सर, कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ, ठीक है सर, सर। पटना पुलिस की ये कार्रवाई का वीडियो है, किस तरह से आप देख सकते हैं। इन अपराधियों को घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया, कुछ नहीं करेंगे। तो पुलिस को देखकर ये अपराधी गंगा नदी में कूद गए थे। सर कुछ नहीं, अरे तुम आ जाओ इधर, मार देंगे गोली। ए सर इधर, इधर सर, इधर सर, कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ। तो किस तरह से पुलिस की तरफ से इन अपराधियों को पकड़ा गया, इसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और पुलिस अधिकारी किस तरह से यहाँ पर इन अपराधियों पर दबाव बनाते, उनको धमकी देते हुए डराते धमकाते, और शायद यही वजह है कि इन चारों अपराधियों को पकड़ लिया गया। लेकिन एक बड़ी चुनौती जरूर यहाँ पर पुलिस के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को देखकर ये अपराधी गंगा नदी में कूदे, उसके बाद इन चार अपराधियों को पकड़ लिया गया। 2 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि सिमरिया बिन टोली के कुछ लोग हैं, वो लोग जो है उनके पास हथियार भी है और वो लोग दारू का कारोबार करते हैं। उसके बाद हथीदा थाना प्रभारी और चकिया थाना प्रभारी दोनों ने मिलकर के एक स्ट्रैटेजी बनाई और बहुत अच्छी तरीके से ये जो चार अपराधी थे इनको घेर करके पकड़ने का काम किया गया है।